जाओ डोसा लेके आओ। चलो मेरे साथ, बहुत सारा प्लेट लेना पड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 8, तो आज है संडे। तो काफी कल हम लोगों ने इतना सारा खाना खाया शादी में, उसके बाद खा ही रहे हैं इतने दिनों से। तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि कितना टाइम हो गया कि वर्कआउट छोड़ा हुआ है, घर पे भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो कौस्तव अभी ट्रेडमिल पे थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा है और मैं भी थोड़ा करूँगी। मैं जनरली योगा करती हूँ और मेडिटेशन। तो योगा और मेडिटेशन के बहुत ही अच्छे मतलब फ़ायदे होते हैं बेसिकली मेडिटेशन तो आपको रोज़ 15 मिनट एटलीस्ट करना चाहिए। इतना आप काम, कितना शांति जो आप फील करोगे ना मेडिटेशन करके, आपको मतलब कोई आइडिया नहीं है। आप बस एक बार करके देखो, ये अपने रूटीन में डाल लो कि रोज 10 मिनट को करना। तो इसी बात पे चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो कौस्तव आज इतने दिनों बात कर रहे हैं एक्सरसाइज। हाय गाइस, तो मैं आ गई थी थोड़ा घर मम्मी के पास। कौस्तव एक्चुअली बाहर गया है थोड़ा 1 घंटे के लिए, तो मैंने सोचा था कि मेरे को यहाँ पे ड्रॉप कर दे। मैं संडे है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और मम्मी के हाथ की गरम गरम चाय पीऊँगी। तो यहीं पे हम लोग चिल कर रहे हैं। कौस्तव जब जाएगा तो मेरे को पिक करके हम लोग डायरेक्ट घर चले जाएंगे। तो आज मैंने फाइनली चंपी करवा लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज वेदर थोड़ा गर्मी है, कल कितना सही मौसम था, लेकिन आज फिर से वही वाली गर्मी है, एकदम ह्यूमिड कोलकाता का वेदर। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा हमारा व्लॉग। ब्राउनी बेडशीट नहीं बिछाने देनी, देखो गाइस वो कैसे बैठी रहती है और बेडशीट बिछाने नहीं देती और काटने लग जाती है। हम खाना किसने खानी ना, 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 ना। गया है, 12 बज गए हैं, अभी हम जाएंगे घर। तो कब जाना है घर? बड़ी मम्मी ने उसको कुछ काम दिया है, वो कर रहा है फोन में। अभी हम लोग घर जाने वाले थे लेकिन फिर से भाई चाबी लेके चला गया है गैराज का, तो वहाँ पे पार्क किया है स्कूटी, तो वो आएगा तो फिर हम जा पाएंगे। तो हम उसका ही वेट कर रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी, तो क्या ही कर सकते, वेट करना पड़ेगा। और मैंने शैम्पू भी नहीं किया है, इतना टाइम हो गया, अब जाके नहाना धोना सब बाकी है, नहीं करना है वेट करने के। येलो हेलमेट, दूर से तुम मुझे पहचान, मैं तुमको पहचान लूंगी। तो गाइस हम लोग लंच करने बैठ गए हैं। तो आज लंच में आलू चोखा, राइस, पापड़, सैलड, भिंडी और दाल, और एक सब्जी भी है ना। हाँ, पर सब्जी तो हम नहीं खाएंगे। क्यों? सब्जी में क्या गलती कर दी? इसको थोड़ा पानी मिलाना। हम आ गए हैं घर, टाइम हो रहा है 6:45 और मेरे पास आ गई है ब्राउनी। गाइस को हाय बोलो। देखा, तुम्हारी आवाज सुन के अब मुझे भाव नहीं देगी, पता नहीं उसको देख के अलग ही उसको जोश चढ़ जाता है। तो गाइस अभी डोसा मिला है हम लोगों को रास्ते पे, नीचे खड़ा हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं ही जा रहा हूँ। वहाँ पे डॉल कर रही है कौशिक, देखो गाइस अपनी बहन के साथ। जाओ डोसा लेके आओ। चलो मेरे साथ, बहुत सारा प्लेट लेना पड़ता है ना? बहुत सारा प्लेट। हाँ, क्योंकि एक प्लेट में एक कितना खाओगे? मैं नहीं, मम्मी खाएगी। हाँ ठीक है, और मैं भैया से पूछ लेती हूँ। काफी ज्यादा हमारा डोसा खाने का मन हो रहा था और आज भी मेरे भैया मिल गए डोसा वाले, तो फिर जल्दी से खाते हैं। ये सब वो नहीं खाती है, साउथ इंडियन डिश। ये तो बंगाली कुत्ता है, शी इज प्योर बंगाली डॉग।
हम बनाने वाले हैं आलू का भुजिया, उसके साथ राइस के साथ आज यही खाएंगे रात को। इतना ये भी खा लिए थे तो अब हम लोग लाइट ही खाएंगे। और मेरे बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए, क्योंकि आज मैंने शैम्पू किया उसके बाद ब्लोड्राई यूज करना भूल नहीं गई एक्चुअली, कर नहीं पाई, जल्दी था। तो फटाफट से हम अभी कर लेते हैं, कढ़ाई निकालते हैं। सारी कढ़ाइयां आलू, इसको थोड़ा वॉश कर लेती हूँ, है ना। तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल दिया है 5 फोड़न भी, और ये आलू अब इसमें डालेंगे। हो गया है, अब इसमें डालेंगे आलू। अब इसमें क्या डालना है? हल्दी। अच्छा बना रहे हो तुम, बिल्कुल बंगाली स्टाइल आलू का क्या लग रहा है? आलू भुजिया, बिहार में पता है आलू भाजा को आलू भुजिया बोलते हैं। I have Bihari friends. Okay. खाना खा लेते हैं। Yes. मैंने सजा दिया है। चलो। आज है खाने में राइस, आलू भाजा, भिंडी, करेला, दाल है, दाल गर्म हो रही है। हमारा डिनर हो चुका है गाइस। तो आज काफी सिंपल बट बेस्ट डिनर था। आलू भुजिया, दाल, राइस मेरे को हमेशा से पसंद है काफ़ी ज़्यादा, और मैं एवरी डे खा सकती हूँ ये खाना। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। नहीं वो छोड़, ये भी रखेंगे व्लॉग में।